हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। सैनिक स्कूल देश के अलग अलग 33 शहरों में है और किसी भी ब्रांच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्लियर करना होता है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित टेस्ट, जिसका नाम है AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद ही स्टूडेंट का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो सकता है। एडमिशन या तो क्लास 6 या फिर क्लास 9 में लिया जा सकता है। क्लास 6 में लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साल 2021 में क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके आवेदन की आखिरी तिथि 4 दिसंबर 2020 है। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है और एग्जामिनेशन होगा 10 जनवरी 2021 को। एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक सवाल दिया होता है जिसके चार आंसर्स लिखे होते हैं, उस चारों में से कौन सा आंसर सही है उसका जवाब आपको OMR शीट पर मार्क करना होता है। और अगर आप क्लास 6 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास चॉइस है इंग्लिश के अलावा अलग लैंग्वेज में भी पेपर देने का, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इनमें से किसी भी एक भाषा को आप चुन सकते हैं और उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश के अलावा किसी भाषा का चयन किया है एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपके चुने हुए भाषा के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा होगा। क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में चार सेक्शन होते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर हर सवाल 3 मार्क्स का होता है टोटल मार्क्स बनता है 150। दूसरा सेक्शन होता है इंटेलिजेंस का, जिसमें रीजनिंग रिलेटेड सवाल आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 25 और हर सवाल होता है 2 मार्क्स का, टोटल मार्क्स होता है 50। लैंग्वेज के पेपर में भी 25 सवाल आते हैं और हर सवाल 2 मार्क्स का होता है और टोटल स्कोर होता है 50। जनरल नॉलेज के सेक्शन में 25 सवाल आते हैं और हर सवाल 2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स होगा 50। इस तरह से क्लास 6 का टेस्ट पेपर होगा 125 सवाल का और टोटल मार्क्स होंगे 300। क्लास 9 एग्जाम में किसी भी तरह के नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। यानी आइए अब देखते हैं क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है, अलग अलग सेक्शन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सवाल आएंगे। वो टॉपिक जिससे मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे वो है नेचुरल नंबर्स, LCM एंड HCF, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइंस एंड एंगल्स, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमरल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर्स, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस। इंटेलिजेंस के पेपर में रीजनिंग के सवाल आते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं एनालॉजीज, मैथमेटिकल एंड वर्बल, पैटर्न, स्पैटियल एंड मैथमेटिकल, क्लासिफिकेशन, विजुअल लॉजिकल रीजनिंग। क्लास 6 के इंग्लिश के सेक्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉम्प्रिहेंशन, प्रिपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब्स एंड टाइप, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म्स, kind of nouns, kind of pronouns, correct spelling, ordering of word in sentence, sentence formation, antonyms, synonyms, adjectives, interjection, idioms and phrases, collective nouns, number, gender, adverb, rhyming words, singular or plural. Hindi section ke sawal in topic se puche jate hain, jisme sabse pehla hoga gadyansh yani comprehension, visheshan ki pehchan, संज्ञा के भेदों की पहचान, मुहावरे, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अशुद्धि शोधन वाक्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्धि, प्रत्यय। अगर लैंग्वेज में आपने इंग्लिश या हिंदी चुना है तो बताए गए टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे
और अगर आपने इंग्लिश हिंदी के अलावा किसी रीजनल लैंग्वेज का चुनाव किया है तो उस लैंग्वेज में जो भी आपने क्लास 5 में पढ़ा था उस क्लास 5 के टॉपिक से ही रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लास 6 के जनरल नॉलेज के टॉपिक्स जिससे सवाल आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सुपर सेंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, टेस्ट एंड डाइजेशन, कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन, जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ऑन एवरीडे लाइफ, वाटर पॉल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीजेस, कॉन्सेप्ट्स ऑन माउंटेन टेरन एंड लाइफस्टाइल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, शेप्स ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फूड कल्चर हैबिटेट लैंग्वेज एसेट्रा ऑफ वेरियस रीजन्स, नेम ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनैलिटीज, इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड्स, नेचुरल कैलमिटीज, एवेपोरेशन कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल, लाइफ ऑफ फार्मर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर जाकर इन्फो बुलेटिन डाउनलोड करें और इस सिलेबस का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं जिससे आपको अपनी तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सैनिक स्कूल के पिछले एग्जामिनेशन का क्या क्वेश्चन पेपर आया था वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप NTA के वेबसाइट www.nta.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं क्लास 9th का डिटेल सिलेबस या फिर सैनिक स्कूल के बारे में और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप देख सकते हैं मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।